नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज 24। आज वीकली जो मीटिंग होती है ब्लॉक लेवल पर, आए हुए सभी सरपंच पंच और लोकल पीपल, इस मीटिंग में सभी जिन लोगों को कोई समस्या आ रही होती है वो जहां पर अपनी समस्या रखते हैं और वो हल भी होती है। इस वक्त जो चल रहा है, सबसे ज्यादा पानी की डिमांड है गर्मियों के दिनों में, और कंडी बेल्ट है, कई बार हम ग्राउंड वाटर और पीएचई वालों से सबमिशन कर चुके हैं कि कंडी बेल्ट एरिया है जहां पानी की काफी दिक्कत है, तो इस पर उस ध्यान दें। बेसिक जो लोगों को पानी चाहिए वो फैसिलिटी देने में ये नाकाम हो सकते हैं। मैं एक बार दोबारा इनसे निवेदन करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, एक तो जो डीप हैंडपंप खराब हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी रिपेयर करें। एक हमारा डीगा एम है ढूंढगा है मोहल्ला एसटी बस्ती का, आज काफी सारे उस जे लोग आए हुए भी हैं। इन्होंने पहले भी कहा था कि हमारे जहाँ कुछ बनाते हैं उसको ठीक करो, एक डीगा वे में बाल खराब है उसको ठीक करो। तो ऑफिसर का जो रिस्पांस होता है, मैंने पहले भी कहा, एक दिन पहले कहा, जो भी हमारा पंच है सरपंच है, एक रिस्पेक्टेड पर्सन है, वो लोगों के द्वारा वो चुना हुआ एक नुमाइंदा है, कम से कम उससे ऑफिसर जो है एक अच्छे ढंग से बात करो, पूछो, उसको एक अच्छे ढंग से रिप्लाई करना चाहिए। अगर एक ऑफिसर को एक सरपंच से जब पंच से डीलिंग करने नहीं आती है, अच्छे ढंग से बात करने नहीं आती है, तो फिर उसको मासिक वेतन लेने का कोई राय नहीं। आपका वेतन तो जो है वो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन कोशिश ये करें कि हमें उस वेतन के बदले लोगों को कुछ फैसिलिटी भी दी। फैसिलिटी जब लोग आपसे शिकायत करते हैं, बात करते हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रास्ता नहीं है, तो जो ऑफिशियल होता है उसका जो वे ऑफ टॉकिंग होता है, उसका जो पब्लिक से डीलिंग करने का तरीका होता है वो रफली होता है। पढ़ा लिखा इंसान है, अगर वो भी देहातियों की तरह बात करे तो ये शर्म की बात है, फिर वो देहाती और एक ऑफिसर में कोई अंतर नहीं। तो मेरी सबमिशन ये है, काम किसी का होता है या नहीं होता है, फंड्स है या नहीं है, कम से कम एक जो हमारा इलेक्टेड पंच है सरपंच है उससे कम से कम एक रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करें, उसको एक अच्छे ढंग से डीलिंग करें। अगर आपको ये बात समझ नहीं आती है, लिख कर बताएंगे, जहां बैठा कर बताएंगे, आप में कोई समस्या, आपको कोई समस्या आती है उसको भी हम सुनते हैं। तो आज पूना में ये अपील है कि जो भी छोटी मोटी लोगों की समस्या होती है, बिजली पानी सड़क, उसको एक अच्छे ढंग से ऑफिशियल डीलिंग करें, अन्यथा उसका उसकी जो नौकरी है, उसका जो वेतन है, वो सिर्फ वेतन पर डिपेंड होकर एक पाप का कर्म कर रहा है, एक वो अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत आगे है। तो आज का वीकली मीटिंग में ये सभी लोगों ने यही डिसाइड किया है, एक तो डीप हैंडपंप ठीक होने चाहिए, दूसरा एक डूंगा है जहाँ पानी की बहुत तकलीफ है, जहाँ पानी आना चाहिए, परंगोली में पानी की बहुत मुश्किल है, जो जहाँ पर बाल खराब हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी डिपार्टमेंट, ये तो एसेंशियल सर्विस है ना, ये एसेंशियल सर्विस है। एक जो वहाँ पर नाला ठंगर है, नाला ठंगर में पानी अभी तक है ही नहीं, और एक सोच की बात, क्या डेवलपमेंट हो रही है, किस चीज़ की डेवलपमेंट है। तो मेरी ये सबमिशन है, जहाँ मीटिंग करने का मतलब ये नहीं है हम जहाँ पर कोई प्रचार करेंगे, जहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है, जहाँ पर हर किस्म के लोग आते हैं, हर किस्म के जहाँ पर
मोड़ेंगे जो पंच सरपंच मेल फीमेल सभी आए होते हैं और सभी की सुनवाई होती है। ये एक दरबार होता है जहां पर एक अकाउंटेबिलिटी है, एक जवाबदेही है। काम होता है जब नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, उसकी एक जहां पर जवाबदेही। और मैं इनसे अपील करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इसको ठीक करने की कोशिश करें। जहां हमारा योगदान है हमें बताएं।